हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हेलो वेब दोस्तों, आप मेरे से हमेशा पूछते रहते हैं कि ग्राफिक डिजाइन कोर्स बेटर है या वेब डिजाइन का कोर्स बेटर है, तो इस वीडियो में मैं आपको उन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग और आप देखते हैं हेलो वेब। तो दोस्तों, अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपके अगर आप वेब डिज़ाइन करने जाते हो किसी भी संस्थान में, तो वहाँ पे आपसे कहा जाता है कि आप ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो या वेब डिज़ाइन। बहुत सारे कोर्स का ऑफर दिया जाता है आपको। तो मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन या वेब डिज़ाइन का कंपेरिजन करने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों, अगर आप ये सोचते हो ग्राफिक डिज़ाइन बेटर है वेब डिज़ाइन से या वेब डिज़ाइन बेटर है ग्राफिक डिज़ाइन से, तो आप गलत हो। अगर आप ये सोचते हो कि वेब डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है ग्राफिक डिज़ाइन से, तो भी आप गलत हो। अगर आप ये सोचते हो ग्राफिक डिज़ाइन बेटर है वेब डिज़ाइन से, तो भी आप गलत हो। पर दोनों में आप गलत हो, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर। अगर आपने 4 साल का BFA किया है, यानी बैचलर इन फाइन आर्ट्स, जिसे पढ़ के आदमी ग्राफिक डिज़ाइन बनता है, तो अगर आप 4 साल का वो कोर्स किया है आपने और 1 साल का आपने वेब डिज़ाइन किया है, तो आपका ग्राफिक डिज़ाइन ज़्यादा बेटर हो जाएगा इस मामले में। लेकिन अगर आपने 3 साल का जो BCA कोर्स आता है, नॉर्मली BCA का एक मान लेते हैं, BCA कोर्स किया है, तो उसे BCA करके लोग वेब डिज़ाइन या प्रोग्रामर बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे वेब डिज़ाइनर को लेकर चलता हूँ। अगर BCA करके आप वेब डिज़ाइनर बनते हो और 1 साल का कोर्स करके आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हो, तो यहाँ पे वेब डिज़ाइनर ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हो आप BCA का, और 4 साल का BFA कर रहे हो, बैचलर इन फाइन आर्ट्स एंड BCA, तो देन यहाँ पे भी वेब डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है। तो उसके क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन में है ना, पहली बात जॉब कम है, जॉब बहुत कम है ग्राफिक डिज़ाइन की। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर इतने हो गए हैं ना, क्योंकि आप कोई भी नॉर्मल किसी भी इंस्टीट्यूट से कर लेता है ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स और जॉब ढूंढने लगता है, तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत अधिक हो गया। और ग्राफिक डिज़ाइन सीखना कोई आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है। आप ग्राफिक डिज़ाइन फोटोशॉप सीख लो अच्छे से, आपको कोरल ड्रॉ आ जाए, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो। लेकिन वेब डिज़ाइन बनने के लिए आपके पास नॉलेज प्लस क्रिएटिविटी दोनों चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे दुकान वाले भी फोटो बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं, फोटोशॉप पे बनाते हैं ना। तो फोटोशॉप को सीखना कोई बड़ी बात है नहीं, ग्राफिक डिज़ाइन फोटोशॉप का बहुत यूज होता है, ये भी आप जानते होंगे। तो ग्राफिक डिज़ाइन अगर बन रहे हो तो BFA करके बनो, तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अगर आपने 1 साल का कोर्स किया, तो वो ज़्यादा बेटर आज के डेट में आपके लिए साबित नहीं हो सकता है। तो अगर वेब डिज़ाइन बनना चाहते हो, तो अगर आप 1 साल का कोर्स करके वेब डिज़ाइन बन रहे हो, तो भी आप वेब डिज़ाइन बन सकते हो, लेकिन सैलरी थोड़ी कम होगी आपकी। लेकिन अगर आप अच्छे वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो नॉर्मली BCA कर सकते हो। BCA करने के बाद आप BCA में अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से करते हो, किसी कॉलेज से करते हो, तो आपको वहाँ पे अच्छी पढ़ाई पढ़ाई जाएगी, HTML जैसा JavaScript सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगे वहाँ। तो आप एक अच्छे वेब डिज़ाइन BCA करके बन सकते हो। लेकिन एक अच्छा अगर ग्राफिक डिज़ाइन बनना चाहते हो, आपका मन वेब डिज़ाइन में नहीं लगता है, तो आप ग्राफिक डिज़ाइन में अगर आपका मन लगता है, तो अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइन बनना चाहते हो, तो वहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा कोर्स रहेगा BFA, बैचलर इन फाइन आर्ट्स। बहुत सारे कॉलेजेज जो ये कोर्स कराती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, जैसे मुझे जहाँ तक पता है दिल्ली की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको नोएडा में आपको पढ़ जाएगी MIT। MIT वहाँ पे बैचलर इन फाइन आर्ट्स की कोर्स कराई जाती है, तो वो ज़्यादा बेटर, फार बेटर है आपके 1 साल के कोर्स से। वहाँ से अगर BFA करके जाते हो, तो आपको सैलरी भी अच्छी लगती है। और हो सकता है कि आपको जैसे मैक हो गए, मैक का नाम सुना होगा, मैक अकेडमी का एडवांस सिनेमेटिक एरिना हो गए, तो उन सारे इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाने का मौका मिल जाए, तो उनकी भी सैलरी अच्छी होती है, 30-35 के करीब सैलरी वो देते हैं, 30-35 हज़ार के करीब मंथली तो सैलरी ये देते हैं। तो अगर आप कंपेरिजन करते हो दोनों कोर्स का, अगर आप BCA करके जाते हो वेब डिज़ाइन बनने और BFA करके जाते हो ग्राफिक डिज़ाइन बनने, तो यहाँ पे वेब डिज़ाइनर का ज़्यादा वैल्यू है, कि वेब डिज़ाइन का बहुत अधिक वैल्यू है। वेब डिज़ाइन का ट्रेंड कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ग्राफिक डिज़ाइन भी नहीं खत्म होने वाला है, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन में कंपटीशन वेब डिज़ाइन से अधिक है, इतना तो आपको ध्यान रखना होगा। अगर ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स करना चाहते हो, तो अच्छे कोर्स करो, BFA ये सब कर लो, तो सही है आपके लिए, ज़्यादा बेटर साबित हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मली आप कोर्स कर रहे हो 1 साल का, तो देन वहाँ पे आपके लिए वेब डिज़ाइन BCA ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आप BFA और BCA दोनों को कंपेरिजन कर रहे हो, तो यहाँ पे BCA आपसे ज़्यादा बेटर है। BFA का ठीक है यार, जॉब मिल जाती है, लेकिन फिर भी जो एक BCA करके आप इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है, आप वेब डिज़ाइन से वेब डेवलपर बन जाओगे और प्रोग्रामर बन जाओगे, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइन से आप ग्राफिक डिज़ाइनर ही रहोगे, आर्ट डायरेक्टर हो गए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकते आप, तो ठीक है। तो यहाँ पे वेब डिज़ाइन की ज़्यादा वैल्यू हो जाती है। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है, तो आप जान ही गए होंगे कि वेब डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है कि ग्राफिक डिज़ाइन ज़्यादा बेटर है। भाई ग्राफिक डिज़ाइन में सैलरी भी लगभग ठीक ठाक होती है, BFA करके जाओगे तो ठीक ठाक होती है नॉर्मली। आप मैं आपको 1 साल का वेब डिज़ाइन या 1 साल का ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स का बताता हूँ। अगर 1 साल का वेब डिज़ाइन कोर्स कर लो आप, या 1 साल के ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स कर लो, तो यहाँ पे भी वेब डिज़ाइन कोर्स का ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि वेब डिज़ाइन कोर्स का आपको सैलरी थोड़ी अच्छी मिलेगी, ग्राफिक डिज़ाइन से ज़्यादा बेटर मिलेगी। ग्राफिक डिज़ाइन की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, 8,000-10,000 होती है, लेकिन वेब डिज़ाइन के 12-13-15 तक मिल जाते हैं स्टार्टिंग में। इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहा मैं,
परमानेंट जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे भी आपको 1 साल के अगर ग्राफिक डिजाइन करो, 1 साल को वेब डिजाइन करो, तो यहाँ पे भी वेब डिजाइन को ज़्यादा वैल्यू मिलेगा, ग्राफिक डिजाइन को उतना वैल्यू नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, 1 साल का कोर्स किया हो, तो ज़्यादा ज़्यादा आप ट्राई करो कि आप फोटोशॉप में वेबसाइट डिजाइन कर सको, मोबाइल ऐप डिजाइन कर सको, तो उससे आपकी सैलरी थोड़ा UI डिजाइन में आप चल जाओ, UI वेब डिजाइन में आप जा सकते हो, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा आपको ग्राफिक डिजाइन से। लेकिन एज ए ग्राफिक डिजाइनर मुझे लगता है, मुझे जहाँ तक मुझे पता है, मैंने मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ग्राफिक डिजाइन कोर्स किए हुए, तो देन वेब डिजाइन ग्राफिक डिजाइन से ज़्यादा बेटर है। और UI डिजाइनर, UI डिजाइन करके अगर ग्राफिक डिजाइन कोर्स करके आप जाते हो UI डिजाइन में, तो वो ज़्यादा बेटर है ग्राफिक डिजाइन से। तो आपके ऊपर आप डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स करते हो, लेकिन आप, मेरा सजेशन ये रहेगा आपको कि आपको जिस कोर्स में मन लगे वही कोर्स करो आप, ये नहीं कि ग्राफिक डिजाइन उतना बेटर नहीं है तो ग्राफिक डिजाइन करो, आपका अगर पैशन है तो आप वो करो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो उसमें। तो देन ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।